हेलो, vivekmehrotra.com के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में जरूर सुना होगा, बट क्या आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोटिवेशन के बारे में भी सुना है? नहीं ना? वो इसलिए क्योंकि ये जो एक फ्रेज है इसका नाम मैंने रखा है। वो इसलिए कि मुझे फिजिक्स और ह्यूमन नेचर में बहुत ज्यादा समानताएं दिखती हैं। स्पेशली ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो जैसे फिजिक्स में लागू होते हैं वैसे ही वो ह्यूमन नेचर के बारे में भी खरे उतरते हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। उसी तरह से कोई भी गतिशील वस्तु गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी तरह से क्या आपको नहीं लगता कि हम सब भी अपना व्यवहार या काम करने का तरीका तब तक नहीं बदलते हैं जब तक कि कोई हमें उसके लिए बाध्य न करे? चाहे वो हमारा साथी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, हमारे सीनियर्स हो सकते हैं या हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार कोई बाहरी कारण ही हो, इसका एक कारण हमारा अपना मोटिवेशन भी हो सकता है। क्योंकि हम सभी के किसी ना किसी काम को करने या ना करने के पीछे हमारा एक अपना मोटिव होता है, एक अपना कारण होता है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था भी दंड देने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि अपराधी की उस अपराध को करने के पीछे मंशा क्या थी। जैसा कि आपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा कि वो जज साहब एक फैसला सुनाते हैं, ताजिराते हिंद दफा 302 के अंतर्गत अपराधी को मौत की सजा सुनाई जाती है या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि भारतीय दंड व्यवस्था के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने वो हत्या अपनी रक्षा के लिए की हो तो शायद उसकी ये सजा माफ भी हो सकती है। दूसरी तरफ एक दफा 307 है जिसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर गोली चलाई और वो जरूरी नहीं है कि वो गोली उसको लगी या उससे उसकी मौत हो, सिर्फ उसने उस व्यक्ति पे गोली चलाई बिकॉज उसकी मंशा जो थी उसको मारने की थी और उस वजह से उस व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। इसीलिए जब कभी आप ये पाएं कि आपके टीम मेंबर्स या आपके बच्चे वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि आप उनको ऐसा करने से रोकें, डांटें, फटकारें, एक बार उस कारण जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आप वो कारण जान जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनसे एक अच्छा काम ले पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी YouTube चैनल vivekmehrotra.com को जरूर सब्सक्राइब करें।